हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? राजेश हियर। जरा फोन अतुल को देना, मैं दिव्या बोल रही हूँ। अतुल बाहर कल के प्रोग्राम की तैयारी कर रहा है, शुड आई कॉल हिम? नो नीड, जस्ट इन्फॉर्म हिम। कल मैं पार्टी में नहीं आ सकती, ओके? जस्ट होल्ड ऑन, मैं अभी जाके अतुल को बुलाता हूँ, एक मिनट। क्या हुआ राजेश? पूरे ग्रुप में से किसी को अंदर आने मत देना। अरे मगर बात क्या है यार? देख, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, अब तुझे जितना कहा गया उतना कर, चल निकल निकल। हेलो, क्या हुआ दिव्या? राजेश ने अभी बताया कि तुम कल की पार्टी में नहीं आ रही हो। What's the problem? I'm a little upset, इसलिए मैं नहीं आ सकती। ठीक है, जब तुम ही नहीं आ रही हो तो मैं प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ। लो प्रेम से बात करो, ये ले प्रेम। हेलो दिव्या, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। देखो, कल रश्मि वहाँ आ रही है, और अगर तुम वहाँ रहोगी तो फिर मैं रश्मि से अपने दिल की बात कह सकूंगा। Try to understand my problem. मैं नहीं आ सकती। Hey Divya, how you doing, baby? Hey, दोस्तों के लिए लोग अपनी जान दे देते हैं, तुम हमारे लिए पार्टी पर नहीं आ सकती? Come on, baby. Gotta come to the party. तुम लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? अभी तक तो हम लोगों ने जबरदस्ती नहीं की, लेकिन अगर तुम कल नहीं आई तो हम सब मिलकर तुम्हें जबरदस्ती उठा कर ले आएंगे। दिव्या, अगर कल तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अपनी नई गाड़ी भेज दूं। नो थैंक यू। विवेक, ये ले दिव्या से बात कर। अरे लेना यार। दिव्या हाय, तुम्हें अपने प्यार की कसम दिव्या, तुम्हें कल सेलिब्रेशन में आना ही होगा। हाँ देखो, हम लोग तुम्हें मिस नहीं कर सकते। विवेक, तुम क्यों जिद कर रहे हो? बात सुनो, ये घर किसका? तुम्हारा। तो मेरे टेलीफोन पर राजेश किसके हाथ भिड़ा हुआ है? अरे उसकी गर्लफ्रेंड का है यार, समझा कर, कल के प्रोग्राम के लिए उसको पटा रहा है। पर मेरे घर का नंबर उसकी गर्लफ्रेंड को कैसे पता? यार अतुल, ये उस पीसीओ तक का नंबर अपनी गर्लफ्रेंड को दे आता है जहाँ ये 15 मिनट से ज्यादा बैठता है। देखो दिव्या, हम लोगों को तुम्हारे बिना किसी प्रोग्राम में अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी कल प्रीति को घर जल्दी जाना, इसलिए हम लोगों ने प्रोग्राम का टाइम 11 बजे के बजाय 10 बजे रखा। और वैसे भी देखो ना, तुम्हें भी हॉस्टल जल्दी पहुंचना, इसलिए देखो कल हम लोग 10 बजे शाम नागदा फोर्ट में मिल रहे हैं। ओके बाबा ओके, मैं ठीक 10 बजे नागदा फोर्ट पहुंच जाऊंगी। ओके, कल पक्का सब लोग 11 बजे मिल रहे हैं। ओके राइट, चलो आ गया। क्या बात है, खुशियों के पर निकल रहे हैं। हाँ पट गई यार, बड़ी मुश्किल से पटी। देखा मेरा कमाल। अबे साले, तू तो बड़ा चालबाज निकला यार। मिमिक्री करते करते तूने उस दिव्या को फंसा लिया। हाँ मदन, जिस लड़की की वजह से पूरे कॉलेज के सामने हमारी बदनामी हुई है, उस लड़की को अब सबक हम ही सिखाएंगे। अतुल, विजय, तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी यह है कि तुम कॉलेज में पंक्चुअल हो। भाई वाह, तुमसे तो घड़ी मिलाई जा सकती है, मगर अफसोस कि आज तुम्हारा वक्त खराब है। बकवास बंद करो और बताओ कि बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी सब लोगों ने तो मिलकर तुम्हें 11 बजे के बजाय यहाँ 10 बजे बुलाया है। और जब तक वो लोग आएंगे तुम्हारी इज्जत लूट चुकी होगी, और हम सब मिलकर तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनाएंगे। तुम्हें ट्रैप किया गया है। अरे ये एक फुल प्रूफ प्लान है। उस दिन जब तुमने नागदा फोर्ट पे आने से इनकार किया, उसी वक्त हम सब लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया। विवेक, अतुल, बाकी सब दोस्तों की बात तो तुम टाल नहीं सकती थी, इसलिए हम सारे दोस्तों ने मिलकर तुम्हें यहाँ बुलवाया। और हाँ, वो विजय था ना जिसने सबके सामने तुम्हें 11 बजे के बजे 10 बजे बुलाया था। सुनो, हम आ गए। और फिर मेजबान और मेहमान दोनों आमने सामने हैं, और देखो यहाँ तो कोई दरवाजा भी नहीं है जिसे तोड़ के तुम्हें कोई बचाने आएगा। मेरे नजदीक मत आना, डोंट टच मी। तो फिर चलो, आज कॉम्पिटिशन हो ही जाए, या तो तुम अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो जाओगी या फिर हम लोग लूटने में। लेट्स स्टार्ट बेबी। Oh!
क्या? Oh God, call up the hospital. जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ. ठहरो. तुम लोगों में से मेरे कोई करीब नहीं आएगा. कोई करीब नहीं आएगा. लेकिन लेकिन क्यों दिव्या? तुम लोग नीच धोखेबाज हैवान हो. मेरे साथ दगाबाजी की है तुम लोगों ने. मेरे भरोसे को तोड़ा है. लेकिन दिव्या, हम लोगों ने ऐसा किया क्या जो हम पे इल्जाम लगाती जा रही हूँ? मेरे पीठ पे छुरा घोपा है तुम लोगों ने. अब हम दर्द बन के मेरा दर्द बांटने आए हो? कोई जरूरत नहीं है. डोंट कम नियर मी. तुम्हें हम लोगों पर इस तरह शक करने का कोई हक नहीं है दिव्या. दोस्ती का मतलब ये नहीं कि तुम हमें गालियां देती रहो. तुम लोगों ने जो पाप किया है उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं कर सकता. ऐसा कौन सा पाप किया हम लोगों ने दिव्या? इन दोनों के पाप में तुम सब बराबर के हिस्सेदार हो. तुम सब की साजिश ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी. तुम सब गुनहगार हो, पापी हो. वसुंधरा, तुम्हारा ये हाल किसने किया? वसुंधरा, वसुंधरा. अच्छा हो तुम आ गए कपिल, मुझे नापाक करने के लिए ये सारे जिम्मेदार हैं. इसलिए मैंने इस जिस्म को खत्म कर दिया है. तुम्हें सौगंध है तुम्हारे सच्चे प्यार की. इन सबको खत्म कर दो, इन सबका नाश कर दो. वसुंधरा, 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 वसुंधरा. Ugh!